सावन के माह में लगने वाला गुप्तेश्वर महादेव मेला दिनारा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं और दिनारा मेले की रौनक बढ़ाते हैं। दिनारा मेला महोत्सव में प्रतिवर्ष दिन में कुश्ती और रात में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिनारा मेला कई वर्षों से भरता आ रहा है। इस मेले की रौनक बढ़ाते हुए किसान नेता सतीश फौजी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उनकी टीम द्वारा मेला के मुख्य स्वागत द्वार पर एक बहुत सुंदर पहल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 वर्ष पूर्व शुरू की गई, जो आज भी निरंतर चली आ रही है, सन 2009 से कर रहे हैं। सेवा में सतीश फौजी और उनकी टीम के द्वारा मेले के मुख्य स्वागत द्वार पर एक भव्य प्याऊ का स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें मेले में आने वाले सभी सैलानियों का स्वागत ठंडे पानी, शरबत और जलजीरा के साथ किया जाता है। मेले में आने वाले लोग इस पहल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। निरंतर 2009 से यह लगातार सेवा का कार्य चल रहा है। आज 16वां उद्घाटन यहाँ पर प्याऊ का हुआ, जो कि हमारे परम पूजनीय श्री गौ सेवक कल्लू महाराज एवं विधायक प्रतिनिधि जय वकील साहब के माध्यम से यहाँ पर हुआ। अच्छा, मेला में आने वाले लाखों लोग इस जल सेवा के माध्यम से अपने कंठ को तर करते हैं और लाखों लोग यहाँ पर पानी पी के जाते हैं, जिसमें जलजीरा और रुआबजा एवं सादा पानी हम सब लोगों को पिलाते हैं। अच्छा, जो प्याऊ का जो आपने वो विचार बनाया, कि मन में कैसे आया और क्या इससे आपको? हम पंजाब में हमने नौकरी की, तो सिख धर्म के लोग वास्तविकता किस प्रकार से सेवा करते हैं, हम उनके सिख धर्म के आगे सेवा के भाव में पासंग भी नहीं है। हमने उनकी सेवा भाव पंजाब में देखा और सेवा भाव को यहाँ उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश फौजी जी द्वारा कंटिन्यूस रूप से पिछले 16 वर्ष ठंडा जल, रुआबजा, जलजीरा की व्यवस्थाएँ की जाती, ये तारीफ काबिल है। वो भले जनप्रतिनिधि थे, रहे या रहे हुए, उनकी समाज सेवा में, मानव सेवा में परोपकार की सेवाओं के बदलाव नहीं आया है, वो कंटिन्यूस रूप से कर रहे हैं। आप भी समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, आपकी जो टीम है वो इसको आप किस तरह से एक मुट्ठी में या उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि वो हमेशा आगे रहते हैं? टीम को एक दूसरा बनाना पड़ता है, टीम के साथ रात दिन उनके शुभ गठन सभी करना पड़ता है, तब टीम खड़ी होती है और टीम के साथ ही मैंने नेतृत्व होता है और टीम के सहयोग से ही बड़े आयोजन और छोटे आयोजन सफल। अभी भी आपने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है, उसमें भी आपकी टीम पूरे क्षेत्र में हमारा कुछ नहीं है, हमारी संपूर्ण टीम का आयोजन है। मेन रामदास जी महाराज का आशीर्वाद था और राजगढ़ भगवान भोलेनाथ की कृपा।